हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 12th का सॉलिड स्टेट का जो सबसे मोस्ट रहता है SEC यानी सरल घरीय एकक सेल, ठीक है ना। ये क्या होगा, CG बोर्ड 2012-13-16 ये सेट ABC तीनों में आ चुका है, ठीक है ना। ABC अच्छे से लिख लीजिए, ABC तीनों सेट में आ चुका है, ठीक है ना। तो SEC इसको अपन लोग सरल घनी एकक सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 8 कोनों परमाणु स्थित होती हैं, ठीक है ना। कुल परमाणु की संख्या 1/8 × 8, क्योंकि ये जो कोनों में परमाणु की संख्या होती है उसका योगदान होता है, ठीक है ना। तो 1 होता है 1/8, यहाँ से अपन लोग 8 और 8 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है ना। तो इतना लिख लीजिए, ये पहला हेडिंग, ये दूसरा हेडिंग, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये नामांकित आरेख में आपको तीसरा हेडिंग, ठीक है ना। देख लीजिए, ये SCC का चित्र है, यहाँ HGEA ABCD ये सभी SCC का चित्र है, ठीक है ना। SCC यानी सरल घनीय एकक सेल, ठीक है ना। ये SCC का चित्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो 8 कोनों पर है वो परमाणु उपस्थित हैं, अतः और उत्तर में लिखेंगे अतः सरल घने में कुल परमाणु की संख्या 1 होती ही है। तो इस प्रकार ये सरल घने का मैंने बहुत ही इजीली ट्रिक से आप लोगों को समझा दिया है। आप इसको कमेंट कर, जो समझ नहीं आता उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा स्टडी लाइन से संबंधित, तो सबसे पहले आपके में मोबाइल में ही नोटिफिकेशन आएगा। और इसको शेयर लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए।